हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ है। तो दोस्तों, ये एप्पे की एक लोडिंग गाड़ी है भाई, और इस गाड़ी में कल से एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि ये गाड़ी चलते चलते रेस छोड़ देती है और फिर मतलब गर्म हो के बंद हो जाती है, और इसको कम से कम 20 से 30 मिनट 40 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद स्टार्ट किया जाता है, ये फिर से उसी पोजीशन में चलने लग जाती है। अब देखेंगे कि ये ठंडी हो चुकी गाड़ी, अब इसको स्टार्ट करेंगे, इसकी पोजीशन क्या है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना कि अगर आपके साथ आपकी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना होगा। कर दे भाई स्टार्ट इसको, देखो भाई कितनी प्यारी स्टार्टिंग हो चुकी है अब इस गाड़ी की। रेस दे जाकर फुल रेस दिए घुमा दे होगी ज्यादा घुमा देना चाहिए ज्यादा। देखो भाई इतना ज्यादा धुआं है इस पर, तो दोस्तों ये इसकी कंडीशन है भाई। अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है कितनी ज़्यादा गर्म हो रही है, देख देख। तो मतलब ये गाड़ी ज़्यादा गर्म होने के बाद ये गर्म होकर बंद हो जाती है, जैसे कि कोई चीज़ इसके अंदर पकड़ कर रही है, और ये ठंडी होने के बाद फिर उसी पोजीशन में चलती है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस गाड़ी के बूसों में मतलब कोई बूस प्ले है जो इसमें पकड़ हो रही है, या कनेक्टर रॉड का ही बूस हो सकता है, इंजन के क्रैंक का ही बूस हो सकता है, टुकड़ियां भी हो सकती है। तो इसको हम कंप्लीट खोलेंगे और वो कमी दिखाएंगे कहां से इस गाड़ी में वो चीज़ पकड़ कर रही थी जिससे कि ये गाड़ी गर्म होने के बाद बंद हो जाती है। तो आशा करते हैं भाई आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि इस चैनल पर हम जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं। देखो ये यहाँ से भी लीकेज हो चुका है इंजन, ये इसकी दशा है इंजन की। दोस्तों ये इस गाड़ी का इंजन है भाई, और जो कि एक BS2 इंजन है, ये का भी गाड़ी काफ़ी पुराना मॉडल है। देखो एप्पे पिगो, ये BS2 इंजन है, और अब इसको हम कंप्लीट एक्सेसरी को खोल देंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन सा पार्ट डैमेज था जिसकी वजह से गाड़ी हिट पकड़ कर बंद हो रही थी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों जब हमने इस एपीपीआ को BS2 का इंजन पूरा कंप्लीट एक्सेसरी खोल ली, तो इसके अंदर ये गाड़ी गर्मा के क्यों बंद हुई है मिस्त्री जी? ये गाड़ी जैसे सुबह सुबह गर्मा कर बंद हो चुकी है और फिर ठंडी होने के बाद फिर चल पड़ी है, मतलब क्या कमी थी इसमें? जो ऑयल पंप नहीं हुआ है। ऑयल पंप कौन सा है निकाल रहे हैं? ऑयल पंप यहाँ पर ऑयल पंप लगता है, ये ऑयल पंप निकालिए बाहर एक स्टॉक, ये रहा ये ऑयल पंप, ठीक है। हाँ जी, इसने काम छोड़ दिया, इस ऑयल पंप ने काम मतलब सप्लाई देनी छोड़ दी। बाथरूम में जो ऑयल पंप तेल दे हुआ है ये खराब हो है, इसके अंदर तेल दे हुआ, यो इंजन का मेन बूस का हुआ है। हाँ, मेन बूस का यहाँ जो गैलरी में तेल दे हुआ खड़े। हाँ जी, आटन तेल देगा यहाँ टुकड़ी में तेल आऊगा। हाँ जी, फिर आओगा यहाँ तेल, या फिर फ्रंट व्हील पर तेल आओगा। उसके बाद मान ले जो ज्यादा तेल आज माल सप्लाई छोड़ दी। हाँ, तेल नहीं पोतने के कारण ये
पकड़ कर गया, ये बुश पकड़ कर गया। और क्रैंक की दशा दिखाइए एक बार, प्लेट ये आगे से क्रैंक लाल हो चुकी है, ये खागी खागी प्लेट ने भी क्रैंक ने भी और ये प्लेट ने भी। मतलब ऑयल पंप की वजह से पूरी गाड़ी में सप्लाई नहीं गई तेल की, ऑयल पंप ने काम छोड़ा है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमारी गाड़ी में कमी आई नहीं? थोड़ी बहुत गाड़ी गरमान है, मतलब मान ले गाड़ी का इंजन दो तीन साल हो गए हैं और वो फिजिकल गया है, थोड़ी बहुत गर्माई दिखाना क्या। हाँ जी, अगर ऑयल पंप बदलवा दें उसका तो सही चलेगा। मतलब दो तीन साल आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा है तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा बैक प्लेट खुलवा करके ऑयल पंप चेंज करवा लेना और साथ में टुकड़ी भी चेंज करवानी चाहिए। टुकड़ी जरूरी हो, टुकड़ी भी जरूरी होती है। तो दोस्तों जब भी आप आपके ऑटो इंजन का काम करवाएं तो आपने जेन्युइन कंपनी का ही ऑयल पंप लेना होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं लोगे तो देखो ये क्रैंक कैसे चीज मार जाएगी, गैलरियों में पूरी सप्लाई खत्म हो जाएगी ऑयल की और आपका कंप्लीट इंजन की असेंबली खत्म हो जाएगी।